हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। साथियों, एक्सेल में आपने डाटा वैलिडेशन जरूर सीखा होगा, लगाया भी होगा, लेकिन हम कुछ ऐसा करने वाले हैं डाटा वैलिडेशन में। मैं ये कहूँगा कि इसको हम डायनेमिक डाटा वैलिडेशन कह सकते हैं, कि आपने लिस्ट में से एक नाम अगर एक बार चुन लिया, दोबारा जब चुनना चाहें तो वो नाम शो ना करे। इस प्रकार का हम डाटा वैलिडेशन किस प्रकार लगाएंगे, ये सारा सीखेंगे गूगल सीट पे चल के। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकता है, इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के लिए आप लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं, या कि आपने कुछ इस प्रकार का फॉर्म बना रखा है जहाँ पे आपने एग्जाम सेंटर चुनने हैं, उनका प्रीफ्रेंस चुनना है। कुछ एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं, जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जाम सेंटर दिए हुए हैं। अगर हम प्रीफ्रेंस में चुनना चाहते हैं, हम चुन लेते हैं यहाँ से गोवा, तो गोवा हमारा पहला एग्जाम सेंटर हो गया जिसका सेंटर कोड है 3। अब हम दूसरा प्रेफरेंस चुनना चाहेंगे, तब देखो यहाँ पे हमारे पास अब गोवा नज़र नहीं आएगा क्योंकि गोवा हम चुन चुके हैं। अब हम लेते हैं बाय द वे कोलकाता, तो अब यहाँ पे एग्जाम सेंटर कोड कोलकाता का आ गया 4, और दूसरा हमारा प्रेफरेंस हो गया कोलकाता। तीसरे नंबर पर जाके हम देखेंगे तो यहाँ पे अब आपको कोलकाता नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो हमने चुन लिया है। इस प्रकार की कुछ आपने ड्रॉप डाउन तैयार करनी है कि हम जो एक बार नाम चुन लें वो हमारा ड्रॉप डाउन में दोबारा से नज़र ना आए। ये सब हम किस प्रकार क्रिएट करेंगे, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये आपके बहुत काम आ सकता है। तो देखिए, बिल्कुल बारीकी से समझते हैं कि इस प्रकार का डाटा वैलिडेशन हमने कैसे लगाया। सबसे पहले तो हमारे पास लिस्ट होती है, सेंटर लिस्ट, कि कौन कौन से सेंटर हैं, उनके सेंटर कोड क्या है। ठीक है, इसमें से हमने डाटा वैलिडेशन लगाना है। लेकिन अगर हमने सीधा इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लिया, देखिए मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। हम चलते हैं डाटा वैलिडेशन के लिए। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है डाटा वैलिडेशन, यहाँ लगाना है। हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से करेंगे हम डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से हम चुन लेंगे लिस्ट प्रीफ्रेंस, उसके लिए ये लिस्ट हम डाल लेते हैं और ओके कर देंगे और सेव। तो डाटा वैलिडेशन तो हमारा लग गया। हमने देखो कोई भी यहाँ से, हमने मान लो फरीदाबाद पहले चुन लिया, यहाँ पे सेंटर कोड भी 1 आ गया फरीदाबाद का, लेकिन दोबारा से जब हम चुनेंगे तो यहाँ भी फरीदाबाद दिखा रहा है। तो दोबारा से कोई सेंटर ना चुना जाए तो ये यहाँ से गायब हो जाए और जो बच गए वो यहाँ पे शो करे। उसके बाद हम गोवा चुनते हैं, गोवा का सेंटर कोड आ गया, फिर से हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ से गोवा गायब हो जाना चाहिए क्योंकि हमने गोवा और फरीदाबाद चुन लिया ना, उसके बाद ये दोनों नहीं डिस्प्ले होना चाहिए। तो सिंपल डाटा वैलिडेशन नहीं काम करेगा। और सेंटर कोड के लिए सिंपली मैंने इंडेक्स और मैच का फॉर्मूला लगाया। इंडेक्स और मैथ सीखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके हमारा वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से इन वैल्यूज़ को डिलीट कर लेता हूँ और डाटा वैलिडेशन भी हटा देता हूँ क्योंकि हमको डाटा वैलिडेशन इस प्रकार का नहीं चाहिए। मैं क्लियर कर देता हूँ। हमको चाहिए कि यहाँ से एक बार जो नाम चुन लिया वो गायब हो जाए, बाकी बचे हुए नाम ही यहाँ पे दिखाए। तो हमको यहाँ पे एक फिल्टर फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था फिल्टर फॉर्मूला का गूगल सीट के ऊपर, उसका लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप फिल्टर पूरी तरह सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सीख सकते हैं। तो देखिए, फिल्टर फॉर्मूला हम कैसे यूज़ करेंगे, और लिस्ट भी हम जो यहाँ पे आएगी वो लिस्ट लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लिस्ट के नाम से एक टेम्परेरी मैंने कॉलम क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फिल्टर ब्रैकेट स्टार्ट। फिल्टर के अंदर रेंज हमने क्या फिल्टर कराना है, हमने इनको फिल्टर कराना है, कॉमा यूज़ करेंगे, कंडीशन डालेंगे, कंडीशन भाई वही यहाँ पे शो करे जिनके नंबर मिल जाए हमको, हम कुछ इस प्रकार दें। तो उसके लिए हम टेम्परेरी यूज़ कर लेते हैं किसी भी एक सेल को। मैं यहाँ से ये वाली रेंज उठा लेता हूँ कि इस रेंज के अंदर बराबर जहाँ भी इसको 0 मिले तो ये सारे डिस्प्ले करे, और नंबर मिल जाए तो डिस्प्ले ना करे। अभी आप इसका मैजिक देखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये सारी लिस्ट इसने उठा ली। अगर यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 1 तो एक फरीदाबाद गायब हो गया, या फिर हम टाइप करें 2 या 3 या 4 या 5, जो भी एक नंबर हम डाल देंगे तो इस लिस्ट में से वो चीज़ गायब हो जाएगी। हमने 5 नंबर डाल दिया तो 5 नंबर का जो भी नाम होगा वो हाइड हो जाए। यहाँ पे अभी ये मत जाइए कि चेन्नई हमारा 6 नंबर पे है, यहाँ पे हमने 5 डाला है फिर भी ये दिखा रहा है, ये नहीं है। नंबर्स पे हमने सिर्फ 0 पे रखना है। अगर हमारे पास यहाँ पे सारे 0 0 हैं, डिलीट कर देता हूँ तो भी 0 0 है। अगर हम यहाँ पे टाइप करेंगे 0
जीरो जीरो, तब भी ये सारे दिखाएगा। जीरो का मतलब हमने जब कोई भी सेंटर यहाँ पे फिल नहीं कराया तो इसका मतलब वो जीरो है, और जैसे ही एक सेंटर फिल हो गया तो वो वहाँ से गायब हो जाए। तो इतना हमारे पास आ गया, हम यहाँ पे कोई भी नंबर डाल रहे हैं तो कोई भी एक नंबर डालते ही एक सेंटर गायब हो जाता है। अब हमको ये नंबर मैनुअल नहीं लेने हैं, ये नंबर हम यूज़ करेंगे काउंट इफ फॉर्मूले के साथ। देखिए यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे काउंट इफ। हम करते हैं इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और काउंट इफ के लिए हम यही ले लेते हैं यहीं से, ठीक है। इसको हम मैच कराएंगे कि यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो वो काउंट होके यहाँ पे उसका नंबर डिस्प्ले करे, कोमा कहाँ से मैच करेगा, इसको काउंट करेगा वो हमारी इस लिस्ट में से, ठीक है। यहाँ पे जो भी नाम आया यहाँ से काउंट करके उसका नंबर दिखा देगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो जीरो नंबर आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं लिखा है। इसी को हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, क्लियर। यहाँ पे बाय द वे मान लीजिए हमने चुन लिया फरीदाबाद और एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए फरीदाबाद यहाँ पे आ गया। और यहाँ से क्या हो गया, फरीदाबाद एक नंबर यहाँ पे इसको मिल गया, फरीदाबाद को, ये फरीदाबाद का ना, ये एक नंबर हो गया, और यहाँ से एक सेंटर गायब, फरीदाबाद हो गया। अगर बगैर बगैर डाटा वैलिडेशन हम दूसरा भी डालते हैं, फरीदाबाद हमने फिर से डाला है और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दो नंबर फरीदाबाद का, दो नंबर जुड़ गया इसके फरीदाबाद के सामने। देखिए हमने दो फरीदाबाद लिख दिए, लेकिन यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक बार फरीदाबाद आ चुका तो वो हट चुका है यहाँ से। हम दूसरा कोई अगर सेंटर यहाँ पे टाइप करेंगे, मैं करता हूँ दिल्ली टाइप करता हूँ, तो दिल्ली यहाँ से गायब। तो हमने क्या किया, हमने पहले तो फिल्टर का यूज़ किया, फिल्टर फॉर्मूले का, और उसके बाद हमने काउंट इफ फॉर्मूले का यूज़ किया। तो इस कॉलम में अलग से काउंट इफ लगाने की बजाय यदि हम यहीं पे जोड़ दें, मैं यहाँ पे आता हूँ इसी फॉर्मूले में F2 करेंगे, और जो हमने ये वाला कॉलम लिया था यहाँ पे, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, और काउंट इफ को सीधा वहाँ से कॉपी भी कर सकते थे, कॉपी नहीं किया है। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट काउंट इफ, काउंट इफ के लिए हमने क्या लिया था, ये है ना, कोमा, दूसरा हमने ये लिया था, ब्रैकेट क्लोज, दूसरी ब्रैकेट क्लोज, और इक्वल जीरो हमारे पास है ही, और प्रेस एंटर, देन फॉर्मूला चल गया हमारा। इसको हम पहले ही फिल हो चुका है, इनको हम यहाँ से डिलीट करते हैं दोनों को, देखिए सारे आ गए। अब हम कोई भी नाम यहाँ पे टाइप करते हैं, मैं करता हूँ गोवा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, GOA गोवा, एंड प्रेस एंटर, देखिए यहाँ से गोवा गायब हो चुका। अब हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगाएंगे, किस प्रकार लगाएंगे, मैं ऐसे इसको हटा देता हूँ, इस कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमने क्लियर कर दिया, सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। अब हमारा डाटा वैलिडेशन में जो लिस्ट रेंज आएगी वो ये आएगी, तो हमने यहाँ पे लगाना है डाटा वैलिडेशन। डाटा में जाएंगे, उसके बाद डाटा वैलिडेशन, यहाँ से हमने लिस्ट रेंज चुन लेनी है, लिस्ट रेंज हम ये लेंगे ना कि ये वाली, और ओके और सेव, क्लियर। अब इनको हम बेशक से हाइड कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। मैं इसको, मैंने कॉलम यहाँ पे हाइड कर रखे हैं, देखो सी के बाद कर रखे ना, तो क्या करता हूँ मैं इन सभी को सेलेक्ट करके और कॉलम्स कर देता हूँ अनहाइड, तो ये लिस्ट हमारी दूर चली जाएगी, या फिर इनको हम हाइड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से कर देता हूँ इनको हाइड कॉलम्स, अब ये नज़र नहीं आएंगे, अब सिर्फ हमारी ये लिस्ट चलनी है। हम पहले पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे फरीदाबाद हमने चुनना है, दिल्ली, गोवा, कोलकाता, हम पहले मुंबई चुन लेते हैं, तो हमारा पहला प्रीफ्रेंस मुंबई आ गया, जिसका सेंटर कोड है 5। अब दूसरा चुनते हैं तो यहाँ पे देखो आपको मुंबई नज़र नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना। हम इस बार ले लेते हैं दिल्ली, फिर तीसरा लेते हैं तो अब दिल्ली भी नज़र नहीं आएगा। हम करते हैं फरीदाबाद, सेंटर कोड इसका यहाँ पे नहीं आया, सेंटर कोड फॉर्मूला नीचे तक हमने ड्रैग किया नहीं किया, हमने यहाँ इनको फिक्स करना पड़ेगा। पहले मैं इनको फिक्स कर देता हूँ F4, ये भी F4, ये नहीं होगा, इसको तो हटाते हैं, ये तो अलग अलग आएगा मैच के लिए, तो ठीक है, और इसको कर देते हैं F4, क्लियर। अब इसको हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, और आप कोई दूसरा सेंटर देखते हैं, तीन बच गए हमारे पास, हम लेते हैं कोलकाता, यब दो बच गए, प्रीफरेंस हमने गोवा का दे दिया, और लास्ट हमारे पास चेन्नई बच गया। तो ये हमने किया है फिल्टर फॉर्मूले की मदद से, जो कि ऑफिस 365 में अवेलेबल है और गूगल सीट पे अवेलेबल है। तो
तो यदि आपके पास ऑफिस 365 नहीं है तो आप गूगल सीट का यूज करके भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काम को बेटर बना सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट्स में बताएं, हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।